वेलकम बैक गाइस। तो आज हम काफ़ी टाइम बाद बात करने वाले हैं मिस्टेक इन पोकेमॉन एवोल्यूशन के बारे में। बेसिकली यार हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमको लगता है कि यार ये पोकेमॉन पे ये एवोल्यूशन लाइन सूट नहीं करती, इसका एवोल्यूशन ये दूसरा पोकेमॉन होना चाहिए था। तो आज हम लोग वही देखेंगे, टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन जिनका कोई और पोकेमॉन ज़्यादा परफेक्ट एवोल्यूशन लाइन वाला बैठता है। तो हाँ, वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, बस एंड तक बने आना। और शायद से थर्ड पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, तो तुमने अगर पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यहाँ पे कोई एक पोकेमॉन नहीं आता, यहाँ पे 3 पोकेमॉन आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जोटो लेजेंड के 20 ट्रायो के बारे में, जिसमें 3 लेजेंडरी पोकेमॉन है, इलेक्ट्रिक टाइप रायकू, फायर टाइप एंटे और वाटर टाइप सुईकून। अब हम जानते हैं लेजेंडरी पोकेमॉन्स के ज़्यादातर एवोल्यूशन नहीं होते, तो इनका भी कोई एवोल्यूशन नहीं है। लेकिन यार ये थोड़ा गलत है, पोकेमॉन वालों ने गलती करी है। इनके बहुत परफेक्ट एवोल्यूशन ही इनसे पिछले जनरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैंटो के इवोल्यूशंस के बारे में, वाटर टाइप वेपोरियन, फायर टाइप फ्लेरियन और यहाँ पे इलेक्ट्रिक टाइप जोल्टियन। ऑब्वियसली तुम देख सकते हो कितना सही बैठ रहा है, टाइपिंग भी तीनों की सेम है। जोल्टियन तुम देखो तो यहाँ पे रायको में इवॉल्व होता तो बहुत परफेक्ट लगता, मतलब देखो यार सब कुछ बहुत हद तक सेम लग रहा है। और फ्लेरियन एंटे में इवॉल्व होता और लास्ट में यहाँ पे वेपोरियन इवॉल्व होता सुईकून में। बस यही वाला है जो थोड़ा उतना कम सूट कर रहा है, बाकी दोनों है जो एकदम सूट कर रहे हैं। तो हाँ यार मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सही होता अगर ये तीनों इवोल्यूशन इवॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे लेजेंडरी 20 पोकेमॉन में। और तुमने सुना ही होगा इनके बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्शन बताया भी जाता है, बहुत सारी पॉपुलर थियरी हैं जो इनके बीच में कनेक्शन बताती है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत सही रहता। नंबर 2 पे आता है डॉन फैन। अभी हम लोग जैसे जानते हैं डॉन फैन की एवोल्यूशन लाइन में सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स हैं, पहले आता है फैनपी, फिर फैनपी इवॉल्व होता है डॉन फैन में। लेकिन क्या हुआ अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार यहाँ पे डॉन फैन का भी एक बहुत परफेक्ट एवोल्यूशन है जो कि गलार के अंदर हमसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ कॉपर राजा के बारे में। तुम देखो तो यार एकदम ये भी एलिफेंट पोकेमॉन ही है और इसकी टाइपिंग स्टील है जो कि ग्राउंड से मतलब काफ़ी आसपास ही रहती है ये दोनों टाइपिंग, तुम्हें पता ही होगा। तो मतलब अगर ये चेंज हो भी जाता तो उतना फर्क नहीं पड़ता, सेम एलिफेंट पोकेमॉन है, डिज़ाइन वगैरह भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम है और साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि एवोल्यूशन में होता ही है। तो मुझे लगता है ये बहुत परफेक्ट बैठता। और अगर तुम देखो तो यहाँ पे तीनों एवोल्यूशन के ही जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं, पहले फैन भी अलग कलर का रहता है, डॉन फैन अलग कलर और फिर फाइनल जो कॉपर आ जाए ये भी एकदम अलग कलर का हो जाता, तो उतनी कुछ गड़बड़ भी नहीं लगती यार। तो मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट एवोल्यूशन लग रहा है अगर ऐसा रखते पोकेमॉन वाले। नंबर 3 पे आता है लव डिस्क। ये प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है और हम जानते हैं इसके पास कोई भी एवोल्यूशन नहीं है, जबकि यार तुम्हें पता होगा सिंगल स्टेज वाले पोकेमॉन भी वही अच्छे लगते हैं जो कि सिंगल स्टेज में बहुत तगड़े हो, जिनको हमें देख के लगे कि हाँ एवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको भाई पूरी तरीके से है, ये इतना छोटा सा कमजोर सा है, कुछ कर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है ना गोरबेस इसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट एवोल्यूशन रहेगा। गोरबेस का कलर इससे सिमिलर है, डिज़ाइन बहुत हद तक सिमिलर है, मतलब पूरा ऐसा ही फील होता है कि लव डिस्क के इवॉल्व होकर बनाए गोरबेस, भाई बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो मुझे लगता है ये एवोल्यूशन लाइन बनाना चाहिए था। और जो अलोलोमोला पोकेमॉन है वो भी यार बहुत पॉपुलर है इसके एवोल्यूशन की तरह रखने के लिए, तो मुझे लगता है उसको मिडल में डाल सकते थे और फाइनल एवोल्यूशन गोरबेस रख सकते थे। तो यार बहुत ज्यादा परफेक्ट एवोल्यूशन लाइन ये बनती। नंबर 4 पे यहाँ पे आता है बन्यूरी। ये सिनोरिजन से एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। अब यार देखो बन्यूरी का एवोल्यूशन है लियोपिनी जो कि पूरी तरीके से इस पे सूट करता है, इसका एवोल्यूशन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक ब्रांच एवोल्यूशन हो सकता था, मतलब मेल और फीमेल वाला, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बनलबी के बारे में। ये भी कालोसिजन से एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और ये भी एक बनी पोकेमॉन है। डिजाइन वाइज तुम देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से एक मेल लगता है और इसका जो एवोल्यूशन है डिगर्स भी वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया मेल जैसा। तो यहाँ पे यार एक मेल और फीमेल वाला मतलब ऐसा वो बन सकता था एवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे मेल और फीमेल वाले एवोल्यूशन हमने देखे हैं, तो वैसे ही हो सकता था। बन्यूरी एक फीमेल एवोल्यूशन रहता और जो बनल भी है ये एक मेल एवोल्यूशन रहता, तो मेरे को लगता है इनको ऐसे ब्रांच एवोल्यूशन बनाना चाहिए था, बहुत ज्यादा परफेक्ट लगता। नंबर 5 यहाँ पे आता है रेमोरेट पोकेमॉन। ये जोटो रीजन का पोकेमॉन है और हमने हमेशा ना इसको मैंटाइन पोकेमॉन के साथ घूमते हुए देखा है। सबको ये चीज़ पता होगी बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर है कि हमेशा मैंटाइन के साथ ही घूमता रहता है और यहाँ तक कि एवोल्यूशन के लिए भी इसको मैंटाइन की जरूरत होती है और मैंटाइन को इसकी जरूरत होती है, तो ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खास है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया कि भाई रेमोरेट को ऑक्टलरी में इवॉल्व करवाया है, मतलब इन दोनों के बीच में ना कोई कनेक्शन है, कलर पूरा अलग है, डिज़ाइन पूरा अलग है, ये एक फिश है और वो एक ऑक्टोपस है, कुछ भी कनेक्शन है ही नहीं आपस में। इससे अच्छा तो भाई रेमोरेट को मैंटाइन में इवॉल्व कर देते, एटलीस्ट थोड़े तो सिमिलर है और साथ में हमेशा घूमते हुए दिखाए जाते हैं, तो एवोल्यूशन की तरह बहुत परफेक्ट लगते सही में, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी भी है इनमें और यार वाटर टाइप के भी हैं दोनों, तो पूरी तरीके से सूट करता है यार। मेरे को लगता है रेमोरेट को एवोल्यूशन मैंटाइन देना चाहिए था, ना कि ऑक्टिलरी। नंबर 6 पे आता है यहाँ पे वॉबफेट पोकेमॉन। वॉबफेट के अभी सिर्फ 2 ही एवोल्यूशन है, पहले आता है वाई नॉट, फिर वाई नॉट से इवॉल्व होता है वॉबफेट में।
बट मुझे लगता है इसको एक 3 एवोल्यूशन वाला बना देना चाहिए था और इसका एक फर्स्ट स्टेज बहुत परफेक्ट रहता वूपर। वूपर वही पोकेमॉन है जो क्वैक्सायर का प्री एवोल्यूशन है। और अगर तुम देखो क्वैक्सायर ऐसा पोकेमॉन लगता है ना जो सिंगल स्टेज में अपना काम चला लेगा, ये सिंगल स्टेज ही परफेक्ट लगता है। मुझे नहीं लगता इसको आगे या पीछे कोई भी एवोल्यूशन चाहिए। वहीं पर वॉबफेट को अगर थर्ड स्टेज का बनाए तो और ज़्यादा परफेक्ट हो जाता कि पहले वूपर फिर वाई नॉट और फिर फाइनल स्टेज में आके वॉबफेट। मेरे को तो यार ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, ऐसा रखना चाहिए था पोकेमॉन वालों को और क्वैक्सायर को अकेला ही कर देना चाहिए था सिंगल एवोल्यूशन। नंबर 7 यार ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि रक्वेजा पोकेमॉन, हम जैसे जानते हैं इसके पास कोई भी एवोल्यूशन नहीं है, इतना तगड़ा भाई लेजेंडरी पोकेमॉन है कि इसको जरूरत भी नहीं है, इसके पास खुद का मेगा एवोल्यूशन भी है, तो मतलब इसको एवोल्यूशन की जरूरत तो नहीं है। लेकिन एक पोकेमॉन है जो इसके फर्स्ट स्टेज की तरह बहुत परफेक्ट लगता है और वो है यहाँ पे कैटरपी। अब तुम नोटिस करो कलर से लेके डिजाइन से लेके बहुत हद तक चीज़ें ना कैटरपी ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेज है वो रक्वेजा का, कि भाई रक्वेजा बाद में चल के इसी से इवॉल्व होता है। ये चीज़ यार बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंटरनेट पर तुमने बहुत जगह पे देखा होगा, इसके लोग एवोल्यूशन बना देते हैं फैन मेड बीच वाले। तो मतलब यार एक्चुअली में ऐसा कर सकते थे कि फर्स्ट स्टेज कैटरपी को रखें फिर बीच में उनको एक कोई परफेक्ट सा स्टेज बनाना चाहिए था बीच के लिए। तुम यहाँ पे कुछ फैन मेड डिज़ाइन देख सकते हो जो लोगों ने बनाया इनके बीच का कोई एवोल्यूशन और फिर फाइनल स्टेज रक्वेजा। ये एक्चुअली बहुत सूट करता है, रक्वेजा और भी ज़्यादा तगड़ा बन जाता क्योंकि फाइनल स्टेज का था। तो हाँ मेरे को लगता है ये भी सही रहता अगर ऐसा करते थे पोकेमॉन वाले सही में। नंबर 8 प्लसल और माइनन पोकेमॉन, ये दोनों यार बहुत ज़्यादा बढ़िया से पोकेमॉन है और तुम देखो तो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं, पिकाचू के क्लोन बनाए गए हैं। अब हम जानते हैं ये किसी में भी इवॉल्व नहीं होते, इनका कोई एवोल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ यार इनके एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट एवोल्यूशन है, दोनों का मतलब एक एक बहुत परफेक्ट एवोल्यूशन है और वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है, साथ में घूमने वाले, जैसे ये दोनों साथ में घूमते हैं वो भी वैसे ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी पोकेमॉन लैटियास और लैटियोस के बारे में। अब इससे पहले तुम कुछ बोलो कि यार इनमें मतलब कनेक्शन ही क्या हो रहा है भाई, वो लेजेंडरी है ये नॉर्मल है, मतलब ये चीज़ तो भाई ऑब्वियसली है, लेकिन तुम देखो तो लैटियास और लैटियोस भी साथ घूमते हैं, उनको भी ऐसे मेल और फीमेल की तरह दिखाया जाता है और यहाँ पर भी कुछ सेम है भाई, प्लसल और माइनन को मेल फीमेल की तरह दिखाया जाता है और एक इनमें रेड है एक ब्लू और सेम लैटियास और लैटियोस में। मतलब डिजाइन वगैरह में तो ये एक हद तक भी सिमिलर नहीं है, थोड़े से भी कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसे सब देखे तो ये बहुत सिमिलर है। मतलब एक्चुअली भी अगर प्लसल और माइनर इनमें इवॉल्व हो जाते आगे चल के तो भी यार बहुत सही रहता है। और वैसे भी हम जानते हैं बहुत से एवोल्यूशन में भाई पूरा ही चेंज हो जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रेमोरेड और ऑक्टोलरी का हमने देखा, पूरा ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला भी इस हिसाब से परफेक्ट रह सकता है यार, इनमें भी बस पूरा चेंज हो जाएगा डिजाइन और ये लैटियास और लैटियास बन जाएंगे। नंबर 9 पे आता है ऑडिश। अभी हम जानते हैं ऑडिश का ऐसा ब्रांच एवोल्यूशन है बहुत तगड़ा वाला, लेकिन मुझे लगता है इसमें इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। इसका एवोल्यूशन एक्चुअली एग्जीक्यूट और पोकेमॉन को बना सकते थे। अगर मैं इनको साइड बाय साइड यहाँ पे रखूँ तुम देख सकते हो थोड़ी सिमिलैरिटी नोटिस कर सकते हो, मतलब एक्चुअली एग्जीक्यूट और इसका एवोल्यूशन बन सकता था। लेकिन हाँ ये चीज़ तो है, ये तो मानना पड़ेगा एग्जीक्यूट और का ऑलरेडी जो प्री एवोल्यूशन है एग्जीक्यूट वो पूरी तरीके से उसका प्री एवोल्यूशन लगता है, तो हाँ उसको हटाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऑडिश एक दूसरा चॉइस हो सकता था इसके एवोल्यूशन के लिए, मतलब इसके प्री एवोल्यूशन के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है। और फाइनली नंबर 10 यहाँ पे आता है माइटियाना पोकेमॉन। ये होएनरिचेन का पोकेमॉन है और बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अब इसका ना कोई एवोल्यूशन वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ इसका ऐसे एक रीजनल वेरिएंट टाइप हो सकता था हाउंडूम पोकेमॉन। हाउंडूम भी एक वुल्फ पोकेमॉन है, डार्क टाइप का है और बहुत ईविल टाइप का लगता है। और इस सेम यार यहाँ पे होएनरिचेन के अंदर हमको ऐसा माइटियाना दिखाया गया था भाई, वुल्फ पोकेमॉन है एक टाइप से और यहाँ पे ये भी थोड़ा डार्क टाइप है और ईविल सा दिखाया जाता है, ईविल टीम के पास रहता है, मतलब पूरी पूरी दोनों में सिमिलैरिटी है। तो एक्चुअली में माइटियाना यहाँ पे वेरिएंट हो सकता था हाउंडूम का। अब तुम इनमें से किस किस पे अग्री करते हो कमेंट के अंदर बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक दूसरी वीडियोस चेक आउट करो, बाय बाय।